सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ई पाठशाला। दिस इज अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास की साइंस। और हमारा चल रहा है 3rd चैप्टर, जिसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अब बारी है सेकेंड लेक्चर की। सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा सम प्लांट फाइबर्स, मतलब हमारे जो प्लांट के फाइबर्स हैं जो हमें मिलते हैं प्लांट से, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं उसके। तो पहला है हमारा कॉटन। कॉटन सब जानते हैं, कॉटन यानी रुई, ठीक है। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्स और पिलोज। मतलब ये जो कॉटन है, ये किस लिए यूज होता है? हम मतलब कपड़ा तो बनता ही ऑब्वियसली, इससे कपड़े भी बनते हैं, और ये मैट्रेसेस यानी गद्दों में भी भरा जाता है। क्विल्स, क्विल्स यहाँ क्विल्स का मतलब है रजाई, रजाई में भी भरा जाता है, पिलोज में भी यूज होता है। तो मैं गद्दे, रजाई और तकिए बनाने के लिए ये यूज करा जाता है, ठीक है। तो कॉटन ये होता कैसा है, अगर आप इसको देखेंगे, मान लीजिए आपने कॉटन का लंप लिया, कोलसा, यहाँ से खींचा, पुल अपार्ट, मतलब उसको बीच में से तोड़ा खींच के। अब जब ये टूटेगा दो पार्ट में, तो इस तरह कुछ टूटेगा। और ना इसके स्ट्रैंड्स भी ऐसे 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 बहुत थिन, बहुत फाइन स्ट्रैंड्स होंगे, एकदम बारीक स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। बहुत बारीक बारीक स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड बहुत ही पतला होगा, एक एक स्ट्रैंड, हर एक स्ट्रैंड बहुत बारीक स्ट्रैंड से मतलब ये देखने को मिलेंगे आपको इस कॉटन में, ठीक है। तो इन्हीं स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, फाइबर्स। यही जो स्ट्रैंड्स हमें देखने को मिलते हैं कॉटन में, इन्हें हम कहते हैं कॉटन फाइबर्स। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ठीक है, ये कॉटन वूल आता कहाँ से है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये उगाया जाता है फील्ड्स में, यानी खेतों में, ठीक है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। और ये कहाँ उगाया जाता है, जहाँ पे सॉइल ब्लैक हो पहला, दूसरा जहाँ पर वार्म क्लाइमेट हो। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है हमारे इधर, तो आप ले लीजिए मध्य प्रदेश, ले लीजिए गुजरात, ले लीजिए राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट्स में ये कॉटन उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ की सॉइल जनरली ब्लैक होती है, ठीक है, और क्लाइमेट थोड़ा वार्म होता है, ठीक है। उसके बाद द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स, ठीक है, बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो जो उनका फ्रूट होता है ना, एक लेमन के साइज का होता है, अपने लेमन देखा होगा, ठीक है, एक लेमन के साइज का होता है इनका फ्रूट्स। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन। मेच्योर होने पर, पकने पर क्या होता है, ये लेमन जैसा जो फ्रूट होता है ये फट जाता है और इसमें से कॉटन बाहर आता है। और इस कॉटन के अंदर आप सीड्स, इसमें अभी पिक्चर में दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली आप सीड्स को देख सकते हैं, मतलब इस कॉटन बॉल के अंदर सीड्स होते हैं। और हाँ, ये कॉटन की फील्ड है। आप कभी आपने देखी होगी या देखना कभी, तो दूर से ऐसा लगता है ना जैसे फील्ड में बर्फ पड़ी हो, ठीक है, ऐसा लगता है कि बर्फ से ढकी है पूरी फील्ड, पूरा खेत बर्फ से ढका है। क्योंकि होता क्या, एक्चुअली इसका प्लांट सूख जाता है और रह जाता है सिर्फ कॉटन, ये कॉटन रह जाता है। अब हम इस कॉटन को निकालते कैसे हैं, ठीक है, अब हम इस कॉटन को कैसे निकालते हैं। जनरली जो कॉटन बॉल्स हैं वो फील्ड में, प्लांट में से तो हैंड से ही पिक करी जाती है, जनरली हैंड से ही निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें सीड्स भी होते हैं, उन सीड्स को भी हमें सेपरेट करना पड़ता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। मतलब अब हमें क्या करना होता है, हमने प्लांट में से तो एज यूजुअली पिक कर लिया हैंड से, ठीक है, एज यूजुअली हमने पिक कर लिया हैंड से प्लांट में से निकालने के लिए। अब उसके सीड से भी हमें रेड होना है, हमें सीड्स भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गिनिंग। गिनिंग में क्या करते हैं, यहाँ देखो प्रोसेस दिखा रखा है, एक लंबी सी कॉम्ब लेते हैं, कॉम्ब लेते हैं, ठीक है, लंबी सी कॉम्ब ली है कि इन्होंने, और ये कॉटन के ऊपर चला दी, कॉटन के ऊपर चला दी, तो क्या वो जो कॉटन हुआ, जो कॉटन फाइबर्स है, वो कॉम्ब में फंस कर आगे आ जाएंगे और जो सीड्स हैं वो उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो इसे ही कहते हैं हम गिनिंग। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, पहले के टाइम पे, पुराने जमाने पे, मतलब ट्रेडिशनली यानी पहले, हैंड से होती थी। जैसे आदमी अगर फिगर आप देख रहे हैं, इसमें कर रहा है, हैंड से ही कर रहा है गिनिंग, ठीक है। आजकल के टाइम में गिनिंग मशीन से होती है, जो कि काफी जल्दी हो जाती है, पहले के टाइम पे थोड़ा टाइम लगता था। दूसरा हमारा प्लांट फाइबर आता है जूट। जूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूट से काफी कुछ बनता है, ठीक है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ये जूट का प्लांट है, फिगर 3.8, इसकी जो स्टेम होती है, ये स्टेम है ना, इस स्टेम में से हमें जूट फाइबर मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हम ये रेनी सीजन में उगाते हैं, क्यों, क्योंकि जूट प्लांट को पानी काफी ज्यादा लगता है, इसलिए रेनी सीजन में उगाना इसे सेफ भी है और इसके लिए भी अच्छा है। मतलब रेनी सीजन रहेगा तो पानी वैसे ही ज्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो उसे पानी काफी मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि जूट प्लांट को पानी ज्यादा लगता है, तो हम इसीलिए रेनी सीजन में उगाते हैं। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। आसाम में, बंगाल में और बिहार में हम जूट प्लांट उगाते हैं। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज,
मतलब जूट प्लांट को ना जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे ही होता है, जब उसमें फ्लावर सूख रहे होते हैं तभी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कॉटन हुई, कॉटन का तो पूरा मैच्योर हो जाता है, पूरा पक जाता है जब हम हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन जूट प्लांट को हम उसके फ्लावरिंग स्टेज पे ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे सूखने नहीं दे सकते। अगर ये सूख गया, पूरा मैच्योर होकर पक गया, फिर उसमें से उस तरीके के फाइबर्स नहीं निकल पाएंगे। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। अब क्या करते हैं, हमने हार्वेस्ट करने के बाद इनकी स्टेम को काफी दिनों तक पानी में डुबो के रखते हैं, स्टेम्स सड़ के गल जाती हैं और फिर हमें क्या मिल जाता है, फाइबर, हमें जूट फाइबर मिल जाता है उसकी स्टेम्स में से निकला हुआ। स्टेम्स गल गई, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था गलने लायक पानी में वो गल जाता है और फिर क्या बच जाता है, थ्रेड्स, जिन्हें हम हैंड से भी उठा सकते हैं। ठीक है, टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू यार्न। अब ये फाइबर्स तो हमें मिल गया, जैसे कॉटन फाइबर मिल गया हमें, ठीक है, लंप के फॉर्म में उसके प्लांट से, और उसमें बहुत सारे फाइबर आपस में लगते पड़े हैं, इस फॉर्म में हमें कॉटन मिला है। जूट का भी एक काफ़ी पतला सा स्ट्रैंड्स हमें मिल गए थ्रेड्स के। अब इनसे सबसे पहले यार्न, यार्न यानी होता है थ्रेड, थ्रेड, हम थ्रेड बनाते हैं तभी तो कपड़ा बनेगा, पहले थ्रेड बनेगा फिर कपड़ा बनेगा। अब थ्रेड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, स्पिनिंग, और स्पिनिंग कॉटन यार्न की होती है, कॉटन की मेनली, काफ़ी सारे फैब्रिक्स की होती है स्पिनिंग, स्पिनिंग से हम यार्न बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, मतलब हम क्या करते हैं, जो यार्न बनाते हैं फाइबर से उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फॉर्म अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, एक तो इसको हम, ये स्पिनिंग हम करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, एक छोटे से डिवाइस की मदद मतलब से, इसे टकली बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, मास ऑफ कॉटन, थोड़ा कॉटन का मास लेते हैं, मतलब काफ़ी कॉटन लेते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में कॉटन लेते हैं और इसे इस तरफ से भरते हैं, इसमें इस तरफ से डालते हैं, और दूसरे इस तरफ से हम उस कॉटन को ट्विस्ट करते हुए निकालते हैं, ऐसे ट्विस्ट, गोल घुमा घुमा के हम उस कॉटन को निकालते हैं, ताकि वो कॉटन के जो फाइबर्स हैं आपस में लपेट जाए। ठीक है, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। तो जब हम इस तरीके से करते हैं, हम कॉटन को घुमाते हैं, घुमाते हुए निकालते हैं, टाइटली थोड़ा घुमाते हुए निकालते हैं, तो उसको हम, उसकी वजह से क्या होता है, फाइबर्स आपस में आ जाते हैं, आपस में लपेट जाते हैं और फिर वो यार्न का फॉर्म, एक धागे का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये इस डिवाइस की मदद से होता है, इसे हैंड स्पिंडल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हैंड स्पिंडल बोलते हैं। इधर से हमने कॉटन डाला, कॉटन भरा, ठीक है, भरते गए और जब कॉटन यहाँ तक पहुँच गया तो उसे हाथ से घुमाते हुए हमने निकालना होता है, हाथ से घुमाते हुए निकालेंगे तो वो एक यार्न के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अनदर एक और डिवाइस होता है जिसे हम चरखा कहते हैं, चरखा सब लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी ने बहुत पॉपुलर करा चरखा। ठीक है, चरखे का ज़्यादातर यूज़ महात्मा गांधी के टाइम से ही हुआ। ठीक है, पहले होता था लेकिन कई पार्ट्स में, थोड़े पार्ट्स में होता था इंडिया में, लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद चरखे का यूज़ हर पार्ट में होने लगा इंडिया के। ठीक है, तो गांधी जी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पार्ट के लिए उन्होंने चरखे का यूज़ करा। एक्चुअली उनका मोटिव ये था कि जो ब्रिटेन के मिल्स से आते थे ना जो क्लोथ, उनको वो अवॉइड करना चाहते थे, उनको नहीं पहनना चाहते थे, वो खुद का बनाया हुआ क्लोथ पहनना चाहते थे, तो वो चरखा यूज़ करते थे। चरखा, उस क्लोथ का नाम था खादी, वो जो धागा बनाते थे एक्चुअली, वो यान जो चरखे से बनती थी उसको हम खादी बोलते थे। ठीक है, वो थोड़ी सी होमस्पन यान होती थी, होमस्पन माने थोड़ी सी मोटी यान होती थी, थोड़ी सी मोटी यान होती थी, थिक, ठीक है, थिक यान होती थी। ठीक है, और उसका नाम था खादी, उससे धोती वगैरह जो भी कपड़े बनते थे और हम उन्हें यूज़ करते थे। एक्चुअली हम, इसका मतलब हम क्या होता था, हम यान घर में बना रहे हैं, हम कपड़ा घर में बना रहे हैं और हम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को पूरा अवॉइड करते थे। ठीक है, उसके बाद आज़ादी के बाद भी टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956 में उसको पॉपुलर और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई जिसका नाम ही खादी रखा, और आज भी उस खादी से काफ़ी कपड़े बनते हैं। उसके बाद स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब स्पिनिंग, ये तो ट्रेडिशनल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये टकली और ऊपर चरखा, तो ये हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थोड़े पुराने। अब आजकल स्पिनिंग जो होती है वो मशीन्स की हेल्प से होती है। नेक्स्ट आता है हमारा यार्न टू फैब्रिक, हमारा यार्न भी बन गया, अब हमें यार्न से फैब्रिक बनाना है। यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा, सबसे पहले होता है वीविंग। ठीक है, वीविंग मतलब बुनाई। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टूगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स, मतलब हम क्या करते हैं, दो यान के सेट्स को, मान लीजिए कोई भी दो यान है,
उनके सेट्स को एक अरेंजमेंट में अरेंज करना साथ, उसे हम वीविंग कहते हैं। अब जैसे मैंने यार्न लिया, मैंने एक बार ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, थोड़े गैप में आ रहा है लेकिन ये और भी गैप कम होता है, ठीक है। इसे लगाया, ऐसे लगाया और ऐसे लगाया, फिर मैंने एक और यार्न लिया और ऐसे, फिर मैंने यार्न की अरेंजमेंट ऐसे कर दी, ठीक है। फिर मैंने यार्न की अरेंजमेंट ऐसे कर दी, तो ये आपस में दो यार्न की अरेंजमेंट हो गई और इससे कपड़ा हमें क्या मिल गया, एक कपड़ा मिल गया, ठीक है। इसे हम वीविंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 5 में वीविंग को समझाने के लिए दो पेपर की मदद लिया। उन्होंने क्या कहा, पहले आप पेपर को ऐसे स्ट्रिप्स में काट लीजिए, ठीक है। आपने पेपर लिया दो का अलग अलग कलर के और ऐसे स्ट्रिप्स में उन्हें काट लिया। उन्हें काट करके, तो पहला पेपर आपने पूरा नहीं काटना है, वो ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स में काटना है और ऊपर से थोड़ा सा जोड़ना है, मतलब जॉइंट रहने देना है। और फिर जो दूसरा पेपर हमने एकदम स्ट्रिप्स में काटा था, उसे हमें ऐसे अरेंज करना है, देखिए एक स्ट्रिप के नीचे से फिर ऊपर से, इस तरह मतलब हमें अरेंज करना है उसे, आप अगर समझ रहे हो तो। पहले हमने ग्रीन स्ट्रिप डाली, उसके नीचे यहाँ से ऑरेंज स्ट्रिप डाली, फिर क्या कहते हैं, एक बारी ग्रीन स्ट्रिप को ऊपर रखा, एक बारी ऑरेंज स्ट्रिप को ऊपर रखा, ठीक है। ऐसे कर करके हमने अरेंजमेंट बनाई इसके अंदर। जैसे इसमें क्या हो रहा है, देखो ये दिखा रहे हैं कि ऑरेंज स्ट्रिप को नीचे रखे, ग्रीन स्ट्रिप को ऊपर रख रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ऑरेंज स्ट्रिप ऊपर रहेगी और ग्रीन नीचे रहेगी, इस तरीके से अरेंज किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे हम पेपर को वीव कर रहे, तो इसी तरीके से यार्न को भी अरेंज करा जाता है और हमें एक फाइनल प्रोडक्ट, हमारा कपड़ा, जैसे इसमें भी आपने जो पेपर से करा, एक आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया पेपर पूरा, ठीक है, स्ट्रिप से, ठीक है। अब ये पेपर थोड़ा फटना टूटना काफी मुश्किल है, ठीक है, नॉर्मल पेपर से, तो इसे हम कहते हैं वीविंग, ठीक है। तो ऐसे, तो ये तो पेपर से करके दिखाया, एक एक धागे ऐसे करना हाथ से बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैंडलूम। हैंडलूम होता है, ऐसे धागे का अरेंजमेंट पहले से इसमें बंधा होता है और फिर हम दूसरा धागा कॉम की मदद से इसमें बिछा के उसको पास लाते हैं, इस तरह कॉम से, ठीक है, उसको पास लाते हैं, ऐसे धागा बिछा के कॉम से उसे सटाते हैं, ठीक है, इस तरफ को, और धीरे 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 इससे भर जाता है। इन सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक, द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि पेपर स्ट्रिप से काफी थिनर होते हैं, ऑफकोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, तो इसीलिए हम इन लूम्स का इस्तेमाल करते हैं वीविंग करने के लिए, ठीक है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, मतलब लूम्स क्या होते हैं, फैक्ट्रीज में पावर ऑपरेटेड होते हैं कई बार, और हैंडलूम भी होते हैं, मतलब पहले से तो अब हम हैंडलूम ही यूज़ करते आ रहे, बाद में हमने इसमें मशीन लगा दी और कुछ, जिससे हमारा काम और आसान हो जाए। फिर आता है निटिंग। निटिंग बुनाई, जैसे आपकी दादी वगैरह स्वेटर बुनती हैं, उसे हम निटिंग कहते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न, ठीक है, एक सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब हम एक ही, इसमें तो जैसे वीविंग में था, इसमें वीविंग में हमने दो यार्न लग रहे थे, लेकिन इसमें एक सिंगल यार्न से हम लोग एक कपड़ा बनाते हैं। जैसे ऊन के गोले से अगर आपकी दादी या मम्मी स्वेटर बनाती हैं तो उसे हम निटिंग कहते हैं। अब जो निटिंग से बने हुए कपड़े होते हैं ना, उनका अगर आपने एक धागा भी खींचा और खींचते गए, तो वो पूरा खुलता चला जाएगा। कई बार आपने देखा कोई मफलर हो या कोई सॉक्स हो, उसका एक धागा बाहर से निकला और आपने पूरा खींच दिया, वो पूरा कपड़ा ही खुल जाता है। अ सिंगल यार्न इज गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट्स अनरिवल्ड, सॉक एंड मैनी थिंक क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फाइबर्स फैब्रिक्स, निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये एक धागे से बनता है, ये एक धागे को ही आपस में अरेंज करके बनाया जाता है। मान ली एक निटिंग का कपड़ा है और इसमें यहाँ से एक ना धागा निकला हुआ है, अगर ये आपने धागा खींचा तो ये यहाँ से खुलता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा और पूरा कपड़ा ये खुल जाएगा, पूरा कपड़ा धीरे धीरे करके ये खुल जाएगा, जैसे कभी मफलर या कोई सॉक्स खुल जाता है अगर आपने उसका एक धागा भी पुल आउट किया तो। नेटिंग हाथ से भी की जाती है, आज भी बहुत घरों में, सभी घरों में लगभग लगभग नेटिंग हाथ से करते हैं दादियाँ या मम्मियाँ, और आजकल फैक्ट्रीज में जब हमें स्वेटर चाहिए बड़े पैमाने पर, तो मशीन से भी होती है नेटिंग। अब आ जाता है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब जैसे ये वीविंग और नेटिंग था, ठीक है, ये तो फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए था। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, मतलब अब क्या हुआ, ये फैब्रिक को सिल्क स्टिच करके हम लोग काफ़ी क्लोथ आइटम्स बनाते हैं। ये फैब्रिक की सिर्फ हमारा कपड़ा बना था, अब कपड़े से काफ़ी चीज़ें बनती हैं। हालांकि जो ऊन से हम निटिंग करते हैं वो तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा, वो जो थ्रेड होती है, जो यार्न होता है, उससे फाइनल प्रोडक्ट हमारा स्वेटर बना लो, मफलर बना लो, सॉक्स बना लो, वो फाइनल होता है। लेकिन जैसे कॉटन हो गया, कॉटन का हमने यार्न बनाया,
फिर उससे फैब्रिक बनाया, फिर उसको स्टिच करके उससे कोई भी कपड़ा जैसे शर्ट या आपका कुछ भी कपड़े उससे बनते हैं। अब आ जाती है हमारी क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? क्लोथ्स के रूप में लोग पहले क्या यूज़ करते होंगे? इट अपेयर्स दैट एट दोज टाइम पीपल ऑल्सो यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज एंड और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देम सेल्फ। स्टोन एज के टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, स्टोन एज के टाइम की बात हो रही है। स्टोन एज यानी काफ़ी पुराना समय, जब इंसानों के पास बुद्धि होती ही बहुत कम थी। वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े जो पेड़ के पत्ते हैं या फिर बार्क है या फिर स्किन, एनिमल्स की स्किन, टाइगर की स्किन वगैरह वगैरह, जैसे आप आदिवासी टाइप मान लीजिए जो गुफाओं में रहते थे, ठीक है, वो इस तरीके से क्लोथ्स पहनते थे, ठीक है। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, धीरे धीरे उन्होंने खेती सीखा, थोड़ी थोड़ी बुद्धि आई धीरे धीरे, दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इन टू मैट्स एंड बास्केट्स। उन्होंने क्या शुरू किया, घास और ट्विंग्स यानी छोटी टहनियों को बास्केट और मैट्स बनाना शुरू किया, और फिर उनसे छोटी छोटी घास जो पतली पतली घास होती है उनसे उन्होंने कपड़े भी बनाना शुरू किए। धीरे धीरे जब वो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में आए, खेती करना शुरू किए, प्लांट्स के बारे में जानना शुरू किया। वाइंस, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इन टू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज आर वोवन इन टू फैब्रिक्स। एनिमल फ्लीस यानी जो बाल होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, जैसे कैमल, शीप वगैरह, इनके बाल को ट्विस्ट करके लंबे स्ट्रैंड्स बनाते थे, फिर उससे फैब्रिक बनाते थे हाथ से, ठीक है, और फिर उससे कपड़ा बनाते थे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। मतलब पहले इंडियंस क्या करते थे, उन कॉटन का जो कपड़ा पहनते थे जो कि रिवर गंगा के किनारे मिलते थे कॉटन्स उनको, ठीक है, जो उगते थे उनका वो कपड़ा बना के पहनते थे। अब आ जाती है एंशियंट इजिप्ट की बारी, ठीक है। एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। तो कॉटन और फ्लैक्स उगाया जाता था एंशियंट इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारे, और उनसे फैब्रिक बनाया जाता था और वो लोग उसको यूज करते थे। कॉटन तो आप जानते हैं, फ्लैक्स भी एक तरीके का फाइबर होता है, ठीक है, जिससे यार्न बनता है, फिर फैब्रिक बनता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है, फिर फैब्रिक बनता है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पे ना लोग स्टिचिंग यानी सिलाई नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ट्रैप द फाइबर्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो क्या करते थे, फाइबर्स को लिया, इकट्ठा किया और अपनी बॉडी पे लगा लिया, बस। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैपिंग फाइबर्स वर यूज। काफ़ी डिफरेंट वेज यूज होते थे, यानी किसी पत्ते या किसी रस्सी की मदद से लगाया, कुछ भी करके लगाया। मतलब वो स्टिचिंग नहीं डालते जानते थे तो वो डायरेक्ट वो प्रोडक्ट को यूज़ करते थे। When the invention of sewing needle, मतलब सुई, ठीक है, सिलने वाली सुई का invention हुआ, people started stitching fabrics to make clothes। मतलब वो कपड़े बनाने के लिए fabric को सिलने लगे। Stitched clothes have gone through many variations since this invention। मतलब इस सुई के invention के बाद जो सिले हुए कपड़े हैं वो काफ़ी variation में आए, मतलब काफ़ी तरीके के सिले हुए कपड़े आने लगे थे, ठीक है। पहले वो क्या करते थे, उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा यार्न बनाया या फैब्रिक बनाया किसी तरह, ठीक है, वो भी बिना वीविंग गिनिंग के किसी भी तरह उन्होंने फैब्रिक बनाया और उसको अपने बदन पे लपेट लिया, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे सारी, धोती, लुंगी और तुरबन इज़ यूज्ड एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आज भी हम अनस्टिच यानी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, ये सब लोग पहनते हैं ना, ये अनस्टिच्ड होता है, ये बिना सिला हुआ कपड़ा होता है, ये खाली फैब्रिक होता है, ठीक है। जस्ट एज देयर आर लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम। जैसे फूड आइटम काफ़ी लार्ज वेराइटी में होता है हमारी कंट्री में, काफ़ी लार्ज वेराइटी में वेरी करता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग फूड, इसी तरह हमारे क्लोथिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्लोथिंग, अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग क्लोथिंग। अब यहाँ एक ब्रीफ सा दिया गया है कि हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कॉटन होता है, ठीक है, कॉटन रोल्स यानी कॉटन बॉल्स होते हैं, गिनिंग करी उसके फाइबर निकाले, फाइबर से स्पिनिंग करी यार्न बनाया, और यार्न से निटिंग या वीविंग की मदद से फैब्रिक बनाया, और फैब्रिक से हमारा क्लोथ, शर्ट वगैरह, साड़ी, सूट, कुछ भी, ठीक है, वो बनता है। अब हमारे आ जाते हैं कीवर्ड्स। कॉटन वूल, मैंने आपको बता दिया कॉटन वूल क्या होता है, फैब्रिक यानी कपड़ा, फाइबर यानी जो फाइबर होता है हमारा जो हम उगाते हैं, फाइबर से ही यार्न बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो फाइबर एक हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है।
निटिंग यानी बुनना, स्पिनिंग, स्पिनिंग मैंने आपको समझाया था स्पिनिंग में क्या होता है ऊपर, वेइंग, वेइंग माने बुनना, यान मतलब धागा, ठीक है। अब समरी, समरी इसकी ज़्यादा नहीं है, आपको मैं हर बार कहता हूँ कि चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार इस समरी आप थोड़ा सा थोरोली पढ़ लिया करिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए थोड़ा सा कि आपने क्या पढ़ा है पूरे चैप्टर में। अब आती है एक्सरसाइज, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के बीच इसमें हमें बताना है, ठीक है। जैसे नायलॉन, ये सिंथेटिक फाइबर है। वूल नेचुरल फाइबर है क्योंकि हमें एनिमल से मिलता है। कॉटन प्लांट से मिलता है, नेचुरल फाइबर है। सिल्क नेचुरल फाइबर, पॉलेंस पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है, और जूट हमारा नेचुरल नेचुरल फाइबर है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताने। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, करेक्ट, ट्रू है, फाइबर से बनता है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस मेकिंग फाइबर्स, ठीक है। क्या हम स्पिनिंग से फाइबर्स बनाते हैं? नहीं, स्पिनिंग से तो हम फाइबर्स निकालते हैं, तो एक्चुअली फॉल्स हो गया, ठीक है। जस्ट जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, फॉल्स, जूट हमें प्लांट स्टेम से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ठीक है। हम गिनिंग, जिसमें से हम कॉटन में से सीड निकाल देते हैं, ठीक है, उसे हम गिनिंग कहते हैं, ये ट्रू है। वेविंग ऑफ यान मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, हम यान को जब वीव करेंगे तो हमें एक फैब्रिक का पीस मिलेगा, ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, जो सिल्क का फाइबर होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से, फॉल्स, हमें सिल्क प्लांट से नहीं मिलता है, हमें सिल्क सिल्क से मिलता है, ठीक है। वो पहले भी मैंने पढ़ाया था कि सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, हमें सिल्क मॉथ से मिलता है, सिल्क सिल्क का जो कीड़ा होता है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, फॉल्स, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश, तो दो कौन से होते हैं? कॉटन, कॉटन लिख लीजिए, जूट लिख लीजिए। एनिमल फाइबर्स आर सिल्क, एंड हमारा आ गया सिल्क के अलावा क्या हो सकता है? वूल, जो कि हमें शीप से मिलता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, कॉटन और जूट कहाँ से मिलता है? तो जो हमारा कॉटन है, कॉटन का बताया था मैंने, कॉटन फ्रूट होता है कॉटन का, या फिर हम कॉटन बॉल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉटन बॉल्स। जूट हमारा उसके स्टेम से मिलता है, जो जूट प्लांट होती है उसके स्टेम से मिलता है। नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर से दो कौन से आइटम होते हैं? पहला होता है मैट, बनता है हमारा चटाई, ठीक है, कोकोनट फाइबर से बनती है, और दूसरा होता है रूप। ये दो चीज हमारी कोकोनट फाइबर से बनती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न टू फाइबर, अब हमें फाइबर से यार्न बनाना है, तो फाइबर से यार्न बनाने के लिए हम क्या करते थे? स्पिनिंग। तो इसका आंसर होगा स्पिनिंग, स्पिनिंग को पूरा आप एक्सप्लेन कर देना और वही इसका आंसर होगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, मैं अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।